तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रहा हूँ मशरूम चिल्ली। हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं मशरूम चिल्ली के इंग्रेडिएंट की तरफ। सबसे पहला एक छोटा टमाटर क्यूब साइज़ में काट लीजिए। जी हाँ, उसके ऊपर का जो बीज है वो फेंक दीजिए एंड उसे क्यूब साइज़ में, जी देखिए क्यूब कट में हमने काट दिया है। उसके बाद देखिए बढ़िया सा, उसके बाद हम ले लेंगे जी ग्रीन बेल पेपर मतलब शिमला मिर्च, उसे भी हम बीज निकाल कर क्यूब साइज़ में काट लेंगे। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह। फिर ले लेंगे हमारा कांदा जार, जी स्प्रिंग ऑनियन, उसे भी हम बारीक 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 काट लेंगे। दोस्तों एक कप के बराबर स्प्रिंग ऑनियन हमने बारीक काट लिया है। दोस्तों चलिए कुछ इस तरह हमने काट लिया है और ये हमारा हो गया कांदा जार। देन हमें हमारे पास दो छोटी छोटी कांदे हैं, उसे भी हम हाफ रिंग कट में तैयार कर लेंगे। दोस्तों इस तरह आपको छिलका निकाल कर हाफ रिंग कट में तैयार कर लेना है हमारा बारीक छोटा छोटा दो कांदा। चलिए ऑनियन हमारा रेडी हो गया। उसके बाद हम ले लेंगे कोरिएंडर लीव्स। देखिए दोस्तों कोरिएंडर लीव्स को बारीक तरीके से काट लिया है, ये हमारा गार्निशिंग के लिए काम आएगा। उसके बाद हम ले लेंगे जिंजर, हाँ दोस्तों अदरक बारीक कुटा हुआ काटा हुआ। उसके बाद हम ले लेंगे लगभग एक टेबल स्पून हरी मिर्च, उसे भी हम बारीक कट लेंगे, काट ले लिया है। उसके बाद हमारे पास मेन जो इंग्रेडिएंट है वो है मशरूम। मशरूम हम आधा किलो के बराबर ले लेते हैं, आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं, तो मैंने ज़्यादा ले लिया है। तो उसे अच्छी तरीके से धो ले, उसका मट्टी निकल जाए एंड देन कुछ इस तरह धो के हमारा रेडी हो गया है मशरूम। अब इसे हमें काटने की बारी है। दोस्तों इसे डाइस कट में तैयार कर लीजिए मोटे मोटे कटिंग में, क्योंकि इसे हमें डीप फ्राई कुरकुरे फ्राई करना है। चलिए इस तरह हमने काट के रेडी कर लिया है, हमारा डाइस कटिंग मशरूम रेडी हो चुका है। अब हम इसका बैटर तैयार कर लेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हमने दो कप कॉर्नफ्लोर ले लिया है। दो कप कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम डाल देंगे आधा कप के बराबर मैदा। दोस्तों ये दोनों के मिश्रण से हमारा कुरकुरे क्रिस्पी बनेगा मशरूम, हाँ दोस्तों। उसके बाद हम ले लेंगे चुटकी भर नमक। नमक को मिलाने के बाद इन तीनों को हमें हल्का पानी डालकर बैटर तैयार कर लेना है। दोस्तों चलिए धीरे धीरे हल्का हल्का पानी डालकर गाढ़ा बैटर तैयार करना है। हाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए हमें, गाढ़ा बैटर, बैटर मतलब इसका अच्छा आटा तैयार कर लेना है। चलिए कुछ अच्छी तरीके से हाथों से इसका मिश्रण मिक्स कर लेते हैं। चलिए फास्ट फास्ट थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, क्योंकि एक साथ पानी डाल देंगे तो जजमेंट समझ में नहीं आएगा, तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के कुछ देखिए इस तरह हमारा गाढ़ा बैटर तैयार। अब इसमें हम डाल देंगे हमारा मशरूम। मशरूम को हमें कर लेना है इसके साथ अच्छी तरीके से मिक्स। चलिए अच्छी तरीके से हमने मशरूम को मिक्स कर लिया है। अब हमें करना है डीप ऑयल में फ्राई। चलिए डीप ऑयल में हमें इसे फ्राई करना है। इसे तब तक फ्राई कीजिए दोस्तों जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। चलिए दोस्तों एकदम हाई फ्लेम में इसे फ्राई कीजिए दोस्तों, और इस तरह हमारा बन जाता है मशरूम कुरकुरे क्रिस्पी क्रिस्पी। यमी यमी, बहुत बढ़िया हो गया। चलिए अब हम मेन प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। एक पैन ले लिया है जिसमें एक टेबल बटर ले लिया है, जी हाँ मक्खन ले लिया है। मक्खन को हमें पैन में मिक्स कर लेना है। उसके बाद हमारा डालना है जो दोस्तों एक टेबल स्पून हरी मिर्ची काटा हुआ, उसे काटने के बाद उसे डालने के बाद एक टेबल स्पून जिंजर, जी बारीक कटा हुआ अदरक, साथ में अच्छी तरीके से सॉटे कर लीजिए दोस्तों। ये सॉटे होने के बाद हम डाल देंगे दो टेबलस्पून, जी हाँ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, हाँ लहसुन का पेस्ट दो टेबलस्पून डाल दिया है, इसे भी अच्छी तरीके से सॉटे कर लेंगे। सॉटे करते करते थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये बहुत बढ़िया तरीके से मिश्रण बन के सॉटे हो जाए। तब तक सॉटे कीजिए जब तक इसका रॉ स्मेल नहीं चले जाए। चलिए होने के बाद हम डाल देंगे दो टेबलस्पून के बराबर सोया सॉस, जी हाँ सोया सॉस को सॉटे करने के बाद हम डाल देंगे दो टेबलस्पून टमाटो केचप। हाँ दोस्तों हल्का मिठास और खट्टापन के लिए टमाटो केचप इज़ अ बेस्ट ऑप्शन। चलिए डालने के बाद ये मिक्स होने के बाद हमारा कटी हुई वेजेस मतलब स्प्रिंग ऑनियन, ऑनियन, टमाटर एंड जी हाँ बेल पेपर मतलब शिमला मिर्च, तीनों को हम इसी मिश्रण के साथ, रेसिपी के साथ, इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स कर लेते हैं। हल्का सॉटे कर लीजिए, इससे ज़्यादा सॉटे मत कीजिए। थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं ऊपर से, क्योंकि हमारे मशरूम में नमक ऑलरेडी है। चलिए इससे पहले हम उसका प्रिपरेशन करें तो एक बाटी में लगभग, जी हाँ एक टेबल स्पून
मैदा कॉर्नफ्लावर ले लीजिए, एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर के साथ थोड़ा पानी मिक्स कर लीजिए और थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स कर लीजिए। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारा जो मिश्रण है वो बढ़िया सा घट बनाएगा और बड़ा ही स्टिकी स्टिकी मशरूम के साथ हो जाएगा। चलिए अब ये होने के बाद हमने मशरूम को मिक्स कर लिया है और मशरूम को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लीजिए एकदम धीरे धीरे से। दोस्तों ये मिक्स होने के बाद हल्का सा हमें एक टेबलस्पून के बराबर क्रस्ट रोस्टेड ब्लैक पेपर हमें स्प्रेड करना है। हाँ, काली मिर्च स्प्रेड करने के बाद जो कटी हुई धनिया है वो भी स्प्रेड कर लेते हैं और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं और हमारा मशरूम चिल्ली पेपर तैयार। दोस्तों इसे अब हमें गर्मा गर्म सर्व कर लेना है। होप आपको रेसिपी पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ओम साई राम और जय श्री गणेश के नाम से अगला रेसिपी की तरफ जल्दी प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। मैं दीपांकर बद्रा इजाजत चाहता हूँ। ओम साई राम, जय श्री गणेश।